सुपौल जिला के त्रिवेणी अनुमंडलीय मुख्यालय अंतर्गत बाजार के दुर्गा मंदिर परिसर स्थित गणपति बप्पा महोत्सव पर लगातार प्रतिदिन चल रहे राम कथा भजन कीर्तन से श्रद्धालु झूम उठे। गणपति बप्पा पूजा समिति के सचिव मनीष कुमार सिंह ने बताया कि गणपति बप्पा रिद्धि सिद्धि विनायक विघ्नहर्ता है, सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण करती है। वैसे भी हमारे संस्कृति में प्रथम पूजा गणपति बप्पा से शुरुआत की जाती है। गणपति बप्पा सभी का काल कष्ट दुख हरते हैं। गणपति बप्पा महोत्सव पर आज कई दिनों से दीदी द्वारा श्रद्धालुओं के बीच राम कथा वचन भजन कीर्तन किया जा रहा है, ताकि जितने भी महिला पुरुष बच्चे श्रद्धालु हैं सभी मिलकर इस भक्तिमय का लाभ उठावें। वैसे भी मंदिर जाने से भजन कीर्तन में शामिल होने से लोगों का मन शांत होता है, साथ ही मंदिर आने से कुछ देर मंदिर में समय बिताने से शांति के साथ सुख समृद्धि की भी अनुभव होने लगती है। वहीं सभी श्रद्धालुओं से आग्रह भी किया जाता है कि काम तो सभी के पास होते हैं, लेकिन कुछ समय का फुर्सत निकाल कर मंदिर जाएं, अपने संस्कृति को ना भूलें। नहीं हो सके तो कम से कम सप्ताह में एक बार सुबह में या शाम में अपने नजदीकी मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन पूजा अर्चना जरूर करें। भगवान आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेगी। एक बार शुरुआत जरूर करें, कम से कम आपको अनुभव भी मिल जाएगा। वैसे भगवान सभी के अंदर विराजमान होते हैं, सिर्फ भावना के साथ आवाज लगाने की जरूरत पड़ती है। वहीं सभी मनुष्य अपने कर्म अपने धर्म से ही पहचाने जाते हैं, वैसे लोगों का कर्म ही सर्वोपरि है। इस राम कथा भजन कीर्तन में महिलाएं पुरुष वृद्ध बच्चे खूब थिरकते नजर आए। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने इसका लुत्फ उठाया, साथ ही दिन में श्रद्धालुओं के बीच महाप्रसाद का वितरण किया गया। बिहार के सुपौल से जिला ब्यूरो चीफ बलराम कुमार की रिपोर्ट। जनता के बीच कुछ संदेश देना चाहेंगे क्या? निश्चित ही जनता के बीच संदेश देना चाहेंगे। जब जब धरती पर आपात हुई है, जब जब धरती पर भ्रष्ट लोगों की उत्पत्ति हुई है, जब जब यहाँ अन्याय हुआ है, तो निश्चित ही भगवान अवतार लिए हैं, चाहे वो राम के रूप में हुआ हो, कृष्ण के रूप में हुआ हो, दुर्गा के रूप में हुई हो। हर एक पापी को नाश करने के लिए वो अपना रूप बदल बदल के अवतरित हुए हैं, और वही मर्यादा पुरुषोत्तम जिनकी चर्चाएं आज हो रही है। राम कथा करवा रहे हैं, इसके बारे में कुछ दुलन बताएंगे क्या? निश्चित ही जब राम की अवतार हुई थी, जब रावण की तांडव बढ़ी थी, उन्हें वध करने के लिए राम की अवतार हुई थी, कई ऋषि मुनि महात्माओं की तपस्या को राक्षसों के द्वारा विघ्न किया जाता था, जब पूरे धरती पर असुरों की राज हो गई थी, तो राम की अवतार हुई। कभी कृष्ण के रूप में अवतार होकर कंस का वध किए, तो कभी विष्णु का अवतार होके उन्होंने प्रहलाद की रक्षा किए। इसी तरह वो जब जब धरती पर पाप बढ़ा है, तो उनकी अवतार हुई है और भक्तों की रक्षा की है, दुष्टों का नाश किया है। अपना परिचय दे सर। मैं बप्पा पूजा सेवा समिति के सचिव मनीष कुमार सिंह बोल रहा हूँ।